बालाघाट के भरवेरी थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक एक में रहने वाले छोटू दुर्गा मद्रासी की बीती रात्रि अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव बरामद कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि छोटू मद्रासी बीती रात अपने घर के आंगन में सोया हुआ था, उसी दौरान उस पर किसी अज्ञात आरोपी ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे परिजनों ने 108 की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्गा प्रसाद था सर, छोटू मद्रासी। कौन है ये? छोटू मद्रासी दुर्गा। नहीं, आपका कौन लगता है? हाँ, दोस्त है ये, भाई लगता है। अच्छा, ये बताइए जैसे क्या घटना हुई थी? ये घटना हुई थी सर 11:36-35 की बात है। तो ये वहाँ पे तीन लोग सोए हुए थे, तारो, शिव और पानबाई कठौते, है ना, वहाँ पे सोए हुए थे। तो वहाँ पे ये छोटू मद्रासी बाहर सोया था बोलते हैं, तो बाहर सोया था तो इसको किसी अन्य व्यक्ति ने आके मारे। अब वो कौन व्यक्ति थे ये तो नहीं मालूम, उसको मारे तो वो तारो हमारे घर में आया और मेरे को उठा के ले गया। उतने मैंने रवि रघुवंशी को फ़ोन लगाया 11:42 पे। 11:42 जब मैंने फ़ोन लगाया, उसके बाद मैंने 108 को फ़ोन लगाया 11:45 पे। और उसको जब लेके जा रहे थे हम लोग सड़क के कने, तो वो नहर नहर और तीन लोग बस बोला है, नहर नहर और तीन लोग बस सर। उन्होंने नाम भी नहीं बताया? नाम नहीं बताया, बस नहर नहर और तीन लोग बोला है बस। अच्छा, क्या लगता है आपको? जी क्या लगता है? तो वही लगता है नहर की तरफ के लोगों ने मारे होंगे, जब नहर नहर तीन लोग बोल रहा है। दम तक के कुछ रंजीश वगैरह भी थे क्या इन लोग के? नहीं 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 सर, मेरा छोटा भाई था दुर्गा प्रसाद शिववंशी। क्या उम्र रहेगी इसकी? 32-33 साल। अच्छा, कैसी क्या जानकारी थी? मेरे को फ़ोन आया, मैं घर पे था नहीं, मैं बाहर था। फ़ोन आया 11:30 करीब, किसी ने मार दिया करके, उसको बाहर सोया हुआ था। तो कहाँ पर मारा? हमारे मोहल्ले में पीछे गुड्डी भाई के आंगन में सोया था बाहर। तो इसको किसी ने आके मार दिया, तो फिर सब लोग दौड़े और उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। यहाँ से डॉक्टर ने बोला कि इसको गोंदिया रिफर करो घर पे। गोंदिया ले जाते समय रास्ते में देहांत हो गया। अच्छा, कौन है, किन्ने मारा है? कुछ ये आपसे की रंजिश वाले लोग लगते हैं मेरे को, वहीं मोहल्ले में जिनने काम किए। तो पुलिस ने किसी को उठाई क्या? पुलिस ने बहुत से लोगों को उठाई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। क्या नाम आपका? रवि कुमार सिवन। रात में 1:30 करीबन आशुतोष बांगरे जी की अस्पताल चली आई थी कि कोई दुर्गा प्रसाद उर्फ छोटू शिवंशी निवासी बरबेली का 33 वर्ष का आयु व्यक्ति, जिसको मृत अवस्था में भर्ती किया गया है। मर्डर इंटीमेशन कायम की गई है 0 पर, और कायम करने के बाद में आज सुबह उसका पंचनामा किया गया है। पंचनामे में उसके शरीर पर कुछ चोटें थी जो कोई वस्तु से आई हुई लग रही थी। पंचनामा कर संपूर्ण घटनास्थल थाना क्षेत्र भरवेली का है, मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई तो वहाँ भेजी जाए। सर, क्या लग रहा है कि हत्या है या उसके परिजन ने कुछ बताया है? वो उनके परिजन शोकाकुल अवस्था में है, जो कथन देने योग्य नहीं है। अब स्थिति को साफ करने के लिए वे थाना भरवेली। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया ये कह नहीं सकते क्या लग रहा है। पंचनामा होगा तो मतलब पीएम होगा, तो पीएम रिपोर्ट में दर्शित होगा। अच्छा, कटे पिटे के भी निशान भी है चेहरे में? हाँ, चोट के निशान है उस पर। हत्या का लग रहा है? नहीं, अपन कुछ नहीं कह सकते कि हत्या है क्या है, इसमें डॉक्टर साहब अपना अभिमत देंगे और इसकी जानकारी आपको भरवेली थाने से मिलेगी।